जिंदगी झंडवा कांग्रेसियों अब कौन है बात के घमंडवा। रीवा पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर कसा तंज। बेदाग हैं प्रदेश के मुखिया, देश में रामराज की होगी स्थापना, कांग्रेसियों में तो सिर्फ 70 वर्षों तक की लूट। आपको बता दें कि रीवा में शुरू हुए जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आज कई दिग्गज उत्तर प्रदेश से रीवा पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, गोरखपुर सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन जी आज जन आशीर्वाद यात्रा में रीवा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा कि आज पूरा देश भाजपा के कार्यों, विचारों और उसकी उपलब्धियों की सराहना कर रहा है। ये 70 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से देश को खोखला किया है, उसे आज फिर उसी ऊंचाइयों पर ले जाने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और आने वाले चुनावों में एक अच्छे परिणाम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। इस दौरान गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा है कि जिंदगी झंडवा कांग्रेसियों अब कौन से बात का घमंडवा। आइए सुनते हैं जन आशीर्वाद यात्रा के संबंध में क्या कहना है रवि किशन जी का। तभी हम कहिला की जिंदगी झंडवा कांग्रेसियों कौन है बात के घमंडवा। यूपी और एमपी में कहा बा सुरक्षा बा, मामा जी वाड़न, यार सब कुछ बा हो, यार गड़दा उड़ता। आज ही मध्य प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बा, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना यहरा भइल, हमरे नज़र में भारतीय जनता पार्टी का गठन यहाँ से भइल बा। यहाँ का एक एक व्यक्ति इसके खून में भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक एक आदमी के अंदर देशभक्ति बाटे वो कबो ना से। तो आज मध्य प्रदेश में सब कुछ बा, मध्य प्रदेश में एक चीज़ नहीं के बा, वो बा करप्शन नहीं के। हमारे मुख्यमंत्री पर कोनो दागी दागा नहीं के, हमारे मंत्री पर कोनो दागी दागा नहीं के। आज जनता प्रसन्न है, हमारी लाडली बहनों में जो उत्साह दिख रहा ये कभी मध्य प्रदेश पहले नहीं दिख ले रहा है। हमारे कुल भोजपुरिया समाज जो भोजपुरी गीत तेजा सुनाला, आज सब लोगन के हम प्रणाम करब।